हेलो फ्रेंड्स जी, देखिए आज मैं लेके आई हूँ आपको काजू की अलग मिठाई, जो बहुत अलग तरीके से और बहुत अच्छे डिज़ाइन में मैंने ये डेकोरेट किया है। और इस त्यौहार हम कुछ अलग बनाएंगे और ये बनाना बहुत इजी है और हमारे गेस्ट भी काफ़ी इम्प्रेस होंगे इससे। और हम बाहर की मिठाई भी इतनी महंगी महंगी मिलती है उससे हम बच सकेंगे, क्योंकि मिलावट बहुत ज़्यादा होती है जो बाहर की मिठाइयाँ होती हैं। और आप घर में ही बहुत अच्छे तरीके से कम प्राइस में और बहुत अच्छे से, ये देखिए, हम मिठाई बना सकते हैं घर में, उसमें मेहनत भी नहीं है। तो चलिए इस बार हम बनाते हैं ये काजू की मिठाई। काजू स्वीट्स बनाने के लिए हमें चाहिए काजू, जो मैंने हाफ कप काजू लिया है। ये मैंने एक कप काजू लिया था जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी मैं आपको इसकी रेसिपी पाउडर बनाने की बता दूँगी। और फिर मैंने ये लिया है मिल्क पाउडर हाफ कप मैंने मिल्क मेड लिया है। इसी मेज़रमेंट से मैंने ये दोनों मेज़रमेंट कर लिया था। 1 टेबल स्पून घी और ये कलर फूड कलर है। अब यहाँ पे मैंने गैस पर पैन रख दिया है और ये 1 टेबल स्पून घी है, इसे मैं इसको ऐड कर दूँगी, हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। फिर ये मैं कंडेंस मिल्क है इसमें डाल दूँगी इसको। और इसको इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये कंडेंस मिल्क को ये मेल्ट कर देंगे और एक बॉयल होने तक इसको पका लेंगे। ये देखिए एक बॉयल आ चुका है, इसमें बबल्स आ चुके हैं, बस एक बबल आने तक। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये मिल्क पाउडर हाफ कप काजू पाउडर। अब इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसे हमें अच्छे से ऐसे मिक्स करना है और ऐसे चलाते रहना है। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, ये देखिए ये स्मूथ बैटर बन गया है हमारा। इसमें हमें चीनी डालने की रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि कंडेंस मिल्क में ही बहुत चीनी रहता है तो हम चीनी अलग से नहीं डालते हैं। बस ये थोड़ा हल्का ड्राई होने तक इसे हम ऐसे ही पका लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक गया हमारा बैटर, बिल्कुल ये देखिए सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, प्लेट में हम घी लगा देंगे और इस बैटर को निकाल देंगे। अब इसे थोड़ा हम ठंडा करेंगे ऐसे ही मिक्स, ऐसे ही फैलाकर। ये देखिए ये ठंडा हो गया, अब इसे हाफ ऑफ कर दूंगी। ये हाफ में इसे साइड रख दूंगी और इस हाफ में अब मैं ये येलो फूड कलर ऐड करूंगी। ये हल्का हल्का गर्म जाएगा, ये देखिए ये कलर अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये जो दूसरा कलर है इसको हम ये ग्रीन कलर डाल के मिक्स करेंगे।
अभी हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये मेरा डो तैयार हो गया और कलर अच्छे से दोनों में मिक्स हो गया है। अब मैं ये कॉर्न बनाऊंगी, कॉर्न का शेप हम देंगे। ये मैंने छोटा सा बॉल लिया है, इसे मैंने राउंड कर लिया। अब इसे हल्के हाथों से कॉर्न का शेप देंगे हम। एक साइड से हम कॉर्न जैसा कर लेंगे। ये देखिए जैसे कॉर्न होता है ना, एक तरफ मोटा एक तरफ हल्का सा पतला, ये हम कॉर्न बना लेंगे। हल्के हाथों से देखिए ये मैंने कॉर्न का शेप दे दिया है। ऐसे मैं सारे बना लूंगी। बराबर में आप एक बॉल, ये बॉल लीजिए, सराउंड करिए और फिर हल्के हाथों से साइड से प्रेस करिए, ऐसे ऐसे इस हाथों से करके ऐसे प्रेस करिए। ये देखिए ये कॉर्न का शेप आ जाएगा। ये कॉर्न बन गया। अब इसके हम लीव्स बनाएंगे, जो कॉर्न के जो लीव्स होते हैं ना वो, ये गोल करके ऐसे लंबा कर लीजिए और फिर ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करिए। ऐसे बीच सेंटर में हमें ये प्रेस करना है। अब हम कॉर्न का शेप देंगे। ये नाइफ के पीछे से आप दिखा देती हूँ, देखिए ये हल्का सा ऐसे प्रेस करना है, ये बिल्कुल हल्के से ऐसे थोड़ा सा दबाना है। फिर दो पत्तों को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और सेंटर में डाल के इसको यहाँ हल्के से कवर कर देंगे हम, और ये जो दोनों तरफ से है ऐसे प्रेस करके इसको लगा देंगे। और ये देखिए अब छोटा सा हम ऐसे एक बॉल बनाएंगे और पीछे ऐसे लगा देंगे, हमारा कॉर्न का शेप हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा ना बिल्कुल कॉर्न। तो हमारी ये हो गई काजू स्वीट कॉर्न। मैं आपको एक और बता देती हूँ, ये देखिए देखिए सेंटर में बिल्कुल हल्का सा प्रेस करिए और ये साइड में हल्का सा ऐसे प्रेस करिए और ये एक साइड एक हल्का सा प्रेस करिए। ये देखिए हम कॉर्न ये लीव्स को ऐसे से ज्वाइन करिए और इसको ऐसे सेंटर में रखिए और यहाँ से इसको प्रेस करिए। ऐसे इसको कवर कर दीजिए। ये देखिए कितने इजी से ये कॉर्न हमारा बन गया।
ये देखिए अब ऐसे मैं सारे बना लूँगी। ये देखिए ये हमारा स्वीट बनके तैयार है न्यू डिज़ाइन का, और ये कितना सुंदर लग रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी रेसिपी आपको मिलती रहेगी।